My name is Atta. I am a teacher of Peshawar. The topic which I am going to discuss is related to level 9 of chapter 2, named Kinematics. Kinematics is basically derived from a Greek word and it means motion. And how we will define it? It can be defined as the branch of physics which deals with the motion of objects without any detail of what causes the motion. The branch of physics which deals with the motion of objects without any detail of what causes the motion. इस सेंटेंस में ब्रांच का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है? ब्रांच का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि जो लोग फिजिक्स को जानते हैं और जो लोग फिजिक्स को नहीं जानते सारे ब्रांच वर्ड को समझ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ट्री है और ये ट्री फिजिक्स का है, ये ट्री फिजिक्स का है। और जिस तरह ट्री के ब्रांचेस होते हैं तो इस फिजिक्स के भी कुछ ब्रांचेस है और उन ब्रांच में एक ब्रांच हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम काइनेमेटिक्स है। यहाँ पर एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया जाता है मोशन। अब मोशन का मतलब क्या है? मोशन को तो मैं डिस्कस करता हूँ कुछ वक्त के बाद। मोशन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग in the body is said to be in motion. Motion, if a body is changing its position with respect to the surrounding, then the body is said to be in motion. अब motion के साथ एक दूसरा word हमें नजर आता है जिसको हम कहते हैं rest। अब rest क्यों यहाँ पर लाया गया है? क्योंकि rest एक ऐसा लफ्ज है, क्योंकि rest जो है वो motion को define कर सकता है। यानी हम मोशन को जो डिफाइन करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। मोशन अपना कैरेक्टरिस्टिक रेस्ट की वजह से मेंटेन कर सकता है। तो रेस्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा? इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कैसे? फॉर एग्जांपल इधर मैं देखता हूं कि ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, हम सराउंडिंग में इंक्लूड करते हैं ये ट्रीज, हवा, होम्स, हाउसेस वगैरह। विद रिस्पेक्ट दिस बॉडीज, दिस बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, सो दिस बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी इन मोशन। नाउ दिस बॉडीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉडी, सो दिस बॉडीज आर कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट। Another word which is used here is any detail of what causes the motion. यानी इस चैप्टर में हम मोशन को डिस्कस करेंगे लेकिन ये इस पॉइंट के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा कि किस चीज ने इस बॉडी को मोशन में लाया हुआ है, कौन सा चीज है, कौन सा एजेंट है, कौन सी क्वांटिटी है जो इस बॉडी को मोशन में लाया हुआ है। इन अदर वर्ड कैसे कहते हैं फोर्स को कैसे करते हैं, यानी फोर्स को वो मेंशन करते हैं कि इसमें वो फोर्स आप इंक्लूड नहीं करोगे। यहां पर फोर्स से हम इंडिपेंडेंट होंगे। आने वाले वक्तों में इक्वेशंस आएंगे जिसमें हम फोर्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कि जब मोशन को डिस्कस किया जाएगा तो इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ मोशन से बात करेंगे। यहाँ पर मोशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? मोशन को हम थ्री टाइप्स में जो है कंसीडर करेंगे। मोशन के थ्री टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरे को हम कहते हैं रोटेटरी मोशन और तीसरे को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। इन हर एक टाइप में हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी अपना लोकेशन चेंज कर रहा है, बॉडी अपना लोकेशन, अपना पोजीशन चेंज करेगा। तो इनमें हर एक की चेंज इन पोजीशन की बात होगी लेकिन मुख्तलिफ अंदाज में, मुख्तलिफ तरीकों से।
नंबर वन में आई है ट्रांसलेटिव मोशन। ट्रांसलेटिव मोशन क्या होता है? इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इज अ होल, वी कैन से इन अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटिव मोशन। अनदर रोटेटरी मोशन, if a body is changing its position with respect to central point such that its distance from the central point remains constant, for example this is a body, it is changing its position follow a circular path and during its motion its distance from the fixed point remains constant, then this type of motion is called rotatory motion. And another motion is vibratory motion. This is also position changing movement. For example, if a body is changing with respect to the mean position, ये हमारे पास mean position होगा. Mean position. हम इसको ऐसे define करते हैं. If a body is changing its position in forward, in backward direction, if a body is changing its position with respect to the mean position in forward and backward direction, then this is called vibratory motion. The forward and backward motion of the body above the mean position is called vibratory motion. अब हमने जो फिगर शो किया हुआ है, इस फिगर में हमें तीन चीजें नजर आएंगी। पहले पहले एक गाड़ी मोटर कार है, मोटर कार जब ट्रेनिंग स्टार्ट करी स्टार्ट हो जाए तो ये जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है इस तरह ट्रेवल करता है तो ये ट्रांसलेटिव मोशन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हमने ट्रांसलेटिव मोशन की डेफिनेशन ये की है कि इज चेंजिंग इट्स पोजीशन इज अ होल। तो ये मोटर कार इधर इस पॉइंट पर भी और ये आकर इधर आ गया तो इज अ होल ये ट्रांसफर हो रहा है, होल ये उस पॉइंट के लिए ट्रांसलेटिव मोशन। दूसरा रोटेटरी मोशन के बारे में हमने क्या डेफिनेशन की है? इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस इन एन कांस्टेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट दिस इज कॉल्ड रोटेटरी। तो आप लोग देखते हैं कि मोटर कार के जो व्हील है ये रोटेटरी मोशन करते हैं और विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल पॉइंट ये अपना पोजीशन चेंज कर रही है। तो एज अ रिजल्ट हम कह सकते हैं कि इसी में रोटेटरी मोशन भी मौजूद है और वाइब्रेटरी मोशन का हमने वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन ये दी है कि अगर एक बॉडी अपने पोजीशन पर है और ये किसी वजह से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड या अप एंड डाउन भी हो सकता है, ये एक बॉडी है जिसका ये सेंटर पॉइंट है इसको हम मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन करता है विद रिस्पेक्ट टू द मीन पोजीशन, तो इसको भी आप वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। आप देखिए मोटर कार की जो बॉडी है उसके ऊपर अगर हम हाथ रखते हैं ये स्टार्ट तो ये इनकी जो बॉडी है वो वाइब्रेशन करती है। तो ये तीनों टाइप्स जो है ये हमारे पास इस मोशन में इंक्लूड होते हैं। मोटर कार स्टेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। इनके बीच विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल पॉइंट मोशन कर रही है तो इसको हम कहते हैं रोटेटरी मोशन। और इनकी जो बॉडी है इनके जो पार्टिकल्स होंगे एटम्स होंगे इनकी बॉडी के ऊपर ये अपना लोकेशन चेंज कर रही है फॉरवर्ड बैकवर्ड या अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं तो इसको हम नाम देते हैं ये तीनों हमारे पास डिस्कस हो रहे हैं। फिर आगे चलकर इसमें कुछ और टर्म्स है, कीप इन माइंड हमने डिस्कस करना है मोशन को। तो मोशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका काइनेटिक्स में कुछ और भी टर्म्स इंक्लूड है जिसको मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। फिर हम देखेंगे कि जब मोशन को हम डिस्कस करते हैं तो इसको हम ग्राफ से कैसे रिलेट करेंगे। आने वाले वक्तों में हम इंशाल्लाह ग्राफ को इसके साथ रिलेट करेंगे और साथ में टर्म्स इंक्लूड है इस चैप्टर में तो वो भी जरा डिस्कस करेंगे।